करेक्ट करेक्ट, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. ठीक है, अब देखो करंट मान लो कोई ये कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर. अच्छा चार्ज करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से. तो I इक्वल टू होता है Q by T. ठीक है, मतलब करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज अपॉन टाइम. टाइम का यूनिट, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड. सेकेंड और कूलाम पर सेकेंड होता है एम्पियर. क्या होता है? एम्पियर. ठीक है, इसको शॉर्ट में ए भी लिखते हैं, ए एम पी भी लिखते हैं, ओनली ए भी लिखते हैं. ठीक है, कई बार ए भी मिलेगा, ए एम पी भी मिलेगा, है ना शॉर्ट में. सिलेंडर क्यों बनाए? सुनो सुनो, बनाई है. ठीक है, अब ये मान लो कंडक्टर है. ये क्या है? एक कंडक्टर है. इसके इस एरिया से, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया. क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया. यहां से 30 कूलम चार्ज फ्लो हुआ इन 3 सेकेंड्स में, तो कितना करंट फ्लो हो रहा होगा इसमें? सर 10 एम्पियर. ये क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर टू है, किसी वायर में मान लो करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का. कितना हो रहा है? 2 एम्पियर. तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो होगा इन 15 सेकेंड? 30 कूलम. अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए बता सकते हो? हाँ सर, 30 × 6 × 10⁻⁹. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि निकालने हो, है ना, तो क्या करेंगे? 1.6 × 1.6 × 1.6 × 10⁸. वन कूलम में इलेक्ट्रॉन पता है आपको? यस सर. 30 कूलम में कितने होंगे? 6.25 × 10⁻¹⁸. हाँ, अगली बार सुने. ये क्वेश्चन वैसे 10th वगैरह में पूछे जाते हैं, 8th में नहीं पूछा जाएगा कभी भी. ठीक है, मेरी सर एक चीज. हाँ बोलो. सर जैसे अगर इसका आंसर देना होगा तो सर इसमें 30 × 6.25 करके और 10⁻¹⁸ करके दे दें कि सर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? बेटा देखो, ऐसा क्वेश्चन बेटा सॉल्व तो करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव है. और ऑब्जेक्टिव में तो जो आंसर दिया हुआ, ठीक है सर, मतलब पूरा 10⁻⁸ करके दिखाना पड़ेगा. 0000. नहीं नहीं नहीं, 10⁻⁶ में लिखेंगे. जो स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी चीज को लिखने का, एक पॉइंट के बाद डिजिट लगा करके × 10⁻⁶ लिखने का सही तरीका होता है. ठीक है, किसी भी चीज को आप स्टैंडर्ड तरीका होता है, एक डिजिट के बाद 0 × 10⁸. मतलब सर इसका मतलब 30 × 6.25 और फिर उसके आगे 10⁸. देखो सॉल्व करो इसको, कितना आएगा देखो? 187.5 × 10⁸. तो इसका जो एक्चुअल में सही तरीका है वो है 1.875 × 10⁻². हाँ, ये स्टैंडर्ड सबसे तरीका कि एक पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ. ओके सर. 10⁻² में लिखो. ठीक है, बाकी आंसर तो ये भी सही है है ना? सर. लेकिन जो स्टैंडर्ड मेथड है वो ये है ना, एक पॉइंट के बाद डिजिट वाला. ठीक है, तो मोस्टली आप कोई भी क्वांटिटी देखोगे तो इसी में लिखा होता है बुक्स में, है ना. अच्छा, चार्ज कैसी, करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी. कैसी है? स्केलर क्वांटिटी होती है. आ गई बात समझ में? सर क्यों होता है स्केलर क्वांटिटी? सर उसमें डायरेक्शन होता है. इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, फिक्स होता है कि इस साइड ही करंट फ्लो होगा, जिस साइड बैटरी होता है. ठीक है, अभी आ जाएगा समझ में. ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है. अब हम करंट होता क्या है, क्यों होता है, उसके बारे में बात करते हैं. इधर देखो, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज. करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज. मतलब किसी में भी यदि चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसमें हम बोल देंगे करंट फ्लो हो रहा है. क्लियर है? अब
कंडक्टर में चार्ज फ्लो कौन करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उनको बोलते हैं हम चार्ज कैरियर. क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर इन कंडक्टर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है. अब देखो ये एक कंडक्टर है, ये क्या है? एक कंडक्टर. कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं होते हैं? Yes, होते हैं सर, होते हैं, और अपनी इच्छा से कहीं भी घूमते रहते हैं. क्लियर है? जैसे ही हमने क्या किया, एक बैटरी लगाया. क्या किया? बैटरी लगाया, सॉरी ये सेल होता है, ये क्या होता है? सेल, ठीक है, एक सेल लगाया, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी. ठीक है, यदि ये लगा दिया हम दो सेल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोल देते हैं. क्लियर है? ये होता है सेल, और ये होता है बैटरी. मोर देन वन इज कॉल्ड बैटरी. और सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सॉरी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बैटरी और सेल में सर क्या अंतर है? बेटा सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी. और सर सिंगल यूनिट सेल होता है? सेल होता है, ठीक है. तो सेल क्या होता है? डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, ये मैं लिखवाऊंगा अभी प्रॉपर, अभी तो बस शॉर्ट में याद रखू. ठीक है सर? हाँ सर, हम चार्ज, वो क्या कहते हैं, सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते सर? कर सकते, पढ़ेंगे पढ़ेंगे. अरे यार, मोबाइल की बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते? यस सर, हो सकती है. फिर क्यों पूछ रहे हो? सेल तो पता है ना, चार्जिंग भी सेल आते हैं, सबके घरों में चार्जिंग भी होते हैं. उन्हें तो सर कैमरास के सेल भी चार्ज ही होते हैं. मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज, मोबाइल की बैटरी बेटा डिस्चार्ज हो जाए तो फेंक देना है ना? नहीं सर. तो बेटा कुछ चार्जिंग वाले होते हैं, कुछ डिस्चार्जिंग वाले होते हैं, है ना. अब देखो कुछ कपड़े, हमारे कपड़े कैसे होते हैं? हमेशा धोते हैं, कुछ कपड़े धोते हैं, कुछ क्या करते हैं, यूज करके फेंक देते हैं. जैसे डॉक्टर वो होता है ना, क्या होती है, पीपी किट, पीपी किट, उसको क्या करते हैं हम? एक बार फेंक देते हैं. यूज एंड थ्रो, तो वो हो गए हमारे. उस टाइप के भी सेल होते हैं, जैसे हमारे घड़ी का सेल, यूज किया और फेंक दिया, है ना. और कुछ होते हैं हमारे कपड़े, क्या होते हैं, हम बार बार उसको क्या करते हैं, धो के साफ कर लेते हैं, फिर पहन लेते हैं. ठीक है, तो दोनों टाइप के सेल होते हैं. सर रिमोट कंट्रोल कार में वही पॉल्यूशन होता है सर, ऐसे तो बहुत पॉल्यूशन होता है, तो इसके लिए होता है तो क्या करते हैं? करते हैं, अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग काम है. ठीक है, महंगा होता है वो. पेपर में नोट्स बनाता है, इससे भी पॉल्यूशन होता है. पॉल्यूशन होता है तो बेटा ऐसी बातें मत करो. पॉल्यूशन होता है तो आप प्लास्टिक यूज करना छोड़ दो. करते हो क्या? होता है तो होता है, पानी पीना छोड़ देगा. हाँ ठीक है, पानी की प्लास्टिक की बोतल में पानी आता है, वो भी गंदा है. पीते हो नहीं पीते हो? प्लास्टिक में आप, प्लास्टिक में खाने की चीजें नहीं रखते हैं. दूध भी आपका प्लास्टिक में आता है नहीं आता है? आता है, थैली में आता है. तो फिर है ना, ऐसे मत सोचो. अभी जो चीज काम की है वो चीज पढ़ो, है ना. अभी उस डिबेट पे मत जाओ. ठीक है, देखो बेटा इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये होता है जो बड़ा वाला होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल. क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल. छोटा वाला होता है नेगेटिव टर्मिनल. क्लियर है सर? ये आपने जो ड्रम जैसा बनाया सर, ये कंडक्टर है? कंडक्टर है. अब देखो इसके पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो चार्ज फ्लो हो गया. यस सर. और चार्ज फ्लो हो गया मतलब इसमें क्या फ्लो होने लग गया? करंट फ्लो होने लग गया. आ गई बात समझ में? अच्छा, यदि हम क्या करें, इस वायर को हमने कट कर दिया, वायर को क्या कर दिया, कट कर दिया मान लो यहाँ से, तो करंट फ्लो होगा? नहीं सर. मतलब करंट फ्लो होने के लिए सर्किट क्या होना चाहिए? करंट फ्लो पहला होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए. सर्किट क्या होना चाहिए? कंप्लीट. अच्छा, मान लो सर्किट कंप्लीट कर दिया और बैटरी हटा दी,
तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो भी करंट फ्लो नहीं होगा. तो सेकंड कंडीशन क्या है कि सर्किट में एक सोर्स होना चाहिए. एक क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए ना. मतलब कंटेन अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए कोई कोई एनर्जी देने वाला भी तो चाहिए. Yes, हाँ, यदि दोनों में से कोई भी चीज नहीं है, बैटरी है लेकिन वायर नहीं है, तो भी करंट फ्लो नहीं होगा. चलो वायर से कंप्लीट कर दिया और सेल ही नहीं लगाया उसमें, तो भी करंट फ्लो नहीं होगा. क्लियर. अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे. फ्लो करेंगे मतलब चार्ज फ्लो होगा. चार्ज फ्लो हो गया मतलब उसमें क्या फ्लो हो गया, करंट फ्लो हो गया. आ गई बात समझ में. अच्छा अब बताओ यहाँ पर क्या होता है, ओनली क्या न्यूक्लियस भी है या ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन ही है. न्यूक्लियस भी है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है कि नहीं है. यस सर. तो ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देंगे या नहीं देंगे आसानी से. यस सर. नहीं होने देंगे. तो क्या होगी, टक्कर होगी. यस सर. टक्कर से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है. टक्कर से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट. तो इसीलिए किसी भी वायर में जब करंट फ्लो हो जाता है तो वायर गर्म हो जाता है. क्लियर है. किसी में ज्यादा टक्कर होगी तो वो ज्यादा गर्म होगा, किसी में कम टक्कर होगी तो क्या होगा. हाँ ठीक है. अब देखो हमारा मान लो टोस्टर है, यदि ये बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो इसका हमने क्या बना लिया, टोस्टर बना लिया है ना. ये गर्म हो रहा है तो इससे हमने पानी गर्म कर लिया, हमारा हीटर बना लिया हमने. क्लियर है. खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे. तो जब भी क्या हो रहा है बेटा, हीट एनर्जी हो रही है, तो हीट निकल रही है मतलब एनर्जी जा रही है एटमॉस्फेयर में. यस सर. तो जो एनर्जी इस सेल ने इलेक्ट्रॉन्स को दी थी, वो इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दी, वेस्ट कर दी. वो इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दी, सर आपने लास्ट क्या बोला. ठीक है देखो, बोल दीजिए. देखो क्या होता है बेटा, हीट प्रोड्यूस होगी. अब इस हीट का आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो. जैसे इस हीट से हम यदि खाना बना सकते हैं तो खाना बना लेंगे, इस हीट से हम पानी गर्म कर लेंगे तो पानी का क्या बन गया, हीटर बन गया वो. ठीक है. लेकिन ये कुछ में कम होती है तो उस थोड़ी सी एनर्जी का हम कोई यूज नहीं कर पाते हैं. ठीक है. लेकिन यदि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई तो उसका हम क्या बना लेते हैं, कोई अप्लायंस बना लेंगे. क्लियर है. अच्छा इसको हीट दिया किसने, इसको हीट दिया किसने, सेल ने दिया एनर्जी. एनर्जी तो सेल ने जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दी, इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दी, यहाँ टक्कर करने में क्या कर दी, खत्म कर. आ गई बात समझ में. यस सर. होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके यहाँ तक तो आ गए, कहाँ तक आ गए, पॉजिटिव टर्मिनल तक. लेकिन यहाँ के आ जाएंगे तो फिर क्या फ्लो होगा, क्या नहीं होगा. फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाना भी जरूरी है ना. क्या इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएंगे. नो सर. नहीं जाएंगे. लेकिन हमें फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले जाना जरूरी है या नहीं है? लेकिन जाएंगे तो जाना तो है ही. जाना तो पड़ेगा. अब अपनी इच्छा से नहीं जाएंगे तो सेल के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. क्या बोलते हैं सर. लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव तो अपनी इच्छा से जाने चाहिए. नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जाएंगे नेगेटिव के पास, वो तो रिपेल करेगा ना. अच्छा सर, चार्ज एनर्जी की वजह से नहीं जाएंगे. सुनो तो देखो, अपनी इच्छा से तो नहीं जाएंगे. तो ये जो केमिकल होता है इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, फोर्सफुली धक्का मार के इधर लेके जाता है. क्या करता है, फोर्सफुली धक्का मार के, मार के, मारपीट करके इधर लेके जाता है. बताइए केमिकल होता है. ठीक है. हाँ ठीक है सर. आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो अनलाइक होते हैं सर वो अट्रैक्ट करते हैं चार्जेस. हाँ, तो इसीलिए तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ हो गया अट्रैक्ट. अब इसको छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन इधर तो लेके जाना पड़ेगा ना, मैं फ्लो करवाने के लिए. तो अपनी इच्छा से नहीं जाएगा तो मारपीट करके ले जाना पड़ेगा. सर, लेकिन एक बार और जाएंगे, भागेगा उससे दूर. हाँ देखो इधर, जैसे मान लो ये बैटरी है ना. अब आपको मान लो ये कंडक्टर है ना. अब यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, इस जगह आ गया, तो वो इस नेगेटिव से रिपेल होगा. Yes, sir. और yes, इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके फ्लो होके यहाँ तक तो आ जाएगा, कोई समस्या है ही नहीं यहाँ तक तो. Yes, sir. लेकिन yes, sir. वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा क्या अपनी इच्छा से. No, sir. लेकिन ले जाना तो पड़ेगा.
जाना तो पड़ेगा ना. तो ये जो इलेक्ट्रो एक केमिकल होता है, वो केमिकल क्या करता है, इसको धक्का मार के, लात मार के यहाँ तक छोड़ के आता है. सर वापस नेगेटिव को नेगेटिव की जगह लेके जाना पड़ेगा, वापस से इधर लेके जाना पड़ेगा. अब अपनी इच्छा से तो ये नहीं जाएगा. तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करता है, फोर्स लगाता है. सर लेकिन ऐसा क्यों होता है सर, उसको उधर को जाना रहता, फ्लो करवाने के लिए. अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन सब यहाँ के रुक गए तो फ्लो ही बंद हो जाएगा ना. इस पाइप में आपने एक बॉल डाल दिया तो वो लुढ़क के नीचे तक आ जाएगी. यस सर. दूसरी बॉल डाला तो दूसरी भी लुढ़क के आ जाएगी. यस सर. यही प्रोसेस आपको बार बार करना है. यही प्रोसेस क्या करना है, बार बार. तो बॉल को ऊपर ले जाना भी तो पड़ेगा ना. यस सर. वरना तो सारे पाइप भर जाएगा. हाँ, तो ऊपर ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी. तो देखो तो सेम चीज यहाँ पर अपने आप नहीं जाएगी वो, से यहां ले जाना. हाँ, तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. वो वर्क कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट करता है. वो काम कौन करता है, वाली स्लाइड दिखा दीजिए. रुक जाओ यार. ओके सर. इलेक्ट्रोलाइट करता है. अब बेटा इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती उठा करके इधर से इधर लेके जा रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट की एनर्जी कम हो रही है, नहीं हो रही है सर? हो रही है. इलेक्ट्रोलाइट की एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है. जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन को ले जाना बंद कर देगा. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन को ले जाना बंद कर देगा तो हम बोल देते हैं सेल हमारा क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया. Discharge. आ गई बात सुने? Yes, sir. जब yes, तक इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन को उठा उठा करके एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तब तक तो फ्लो होंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट की एनर्जी खत्म हो गई तो उसने इलेक्ट्रॉन को ले जाना बंद कर दिया, और इलेक्ट्रॉन को ले जाना बंद कर दिया तो सर्किट में करंट फ्लो होना भी बंद हो जाएगा. आ गई बात समझ में? आ गया समझ में बिल्कुल. डाल सकते हैं, कुछ में डाल सकते हैं, कुछ में नहीं डाल सकते हैं. ठीक है. तो अब देखो आगे बात सुनो. इलेक्ट्रोलाइट कैसा केमिकल है कि ये केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे बेटा, है ना, केमिकल रिएक्शन वगैरह. इलेक्ट्रोलाइट है सर चैप्टर में, एसिड बेसिस में. हाँ, तो वो होते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं सर. नहीं, इलेक्ट्रो जो कुछ रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, वो आपको केमिस्ट्री वाले सर ज्यादा अच्छे से बताएंगे. ओके सर. हाँ, अब देखो तो इलेक्ट्रोलाइट का काम समझ में आ गया. यस सर. यस सर. उसने क्या किया, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे दी, फिर इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से घूमते घूमते फिर टक्कर कर करके एनर्जी खत्म करके वापस आ जाते हैं. फिर वो क्या करता है, अपनी एनर्जी देता है. तो वैसे ही जो सेल की एनर्जी थी वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन टकरा टकरा करके वेस्ट करते हैं. क्लियर है? अच्छा, सेल जो होते हैं टू टाइप के होते हैं. सेल कितने होते हैं, दो टाइप्स के. एक होता है प्राइमरी सेल. क्या होता है, प्राइमरी सेल. प्राइमरी सेल. और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल. ठीक है, प्राइमरी सेल को बोलते हैं नॉन रिचार्जेबल. क्या बोलते हैं, नॉन रिचार्जेबल. ठीक है, और सेकेंडरी को हम क्या बोलते हैं, रिचार्ज. ठीक है, जैसे हमारे जो घड़ी के सेल होते हैं वो सब कैसे हैं, प्राइमरी सेल हैं. वो यूज करने के बाद हम खत्म कर देते हैं, लेकिन जो रिचार्जेबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल. हाँ, तो जो प्राइमरी ओनली क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी वाला होता है ये केमिकल को किसमें करता है, पहले इलेक्ट्रिकल. केमिकल को उसने कर दिया इलेक्ट्रिकल में, फिर क्या होता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल को वापस किसमें कन्वर्ट करता है, रिवर्स करता है. मतलब केमिकल टू इलेक्ट्रिकल भी करता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कर रहा है. जैसे हम मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं तो चार्जिंग में क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर कर रहा है. ठीक है, और जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो वो क्या करता है, वापस से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके हमारा सर्किट को रन करवाता है. क्लियर है? यस सर. तो अब प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस आ गया समझ में? यस सर.
ठीक है जो प्राइमरी सर इन्वर्टर बैटरी में होती है. हाँ इन्वर्टर बैटरी भी कैसा है, सेकेंडरी सेल है ना. जो हमारे मोबाइल की बैटरी क्या है, सेकेंडरी सेल. सेकेंडरी ठीक है. लेकिन हमारे घड़ी का जो सेल होता है वो प्राइमरी सेल. घड़ी का सेल हो गया, हमारे रिमोट का सेल है ना, हमारी बाइक्स में बैटरी. कार की बैटरी तो रिचार्ज होती है ना बेटा, होती है सर सेकेंडरी सेल. हाँ तो वो सेकेंडरी खराब तो हर चीज होती है, किसी बातें करते हो इंटरनेटर होता है. ठीक है, अब हर चीज खराब होती है. वो तो क्या लाइफ टाइम चलाते रहोगे कपड़ों को. देखो कपड़े को हम एक बार धो करके फिर से यूज कर लेते हैं. यस सर. यस सर. लेकिन इसका ये थोड़ी मतलब है कि लाइफ टाइम आपके कपड़े चलेंगे, उसमें भी खराबी होगी नहीं होगी. खराबी होगी, बार बार धुलेगा तो खराब होगा. वैसे ही बार बार रिचार्ज होगी तो बैटरी थोड़ी थोड़ी खराब तो होगी है ना. Yes, sir. हाँ तो कोई भी ऐसा थोड़ी बेटा कोई एक बार बैटरी ले आया तो लाइफ टाइम चलेगी. ठीक है, मोबाइल की बैटरी एक दो साल के बाद खराब होने लगी जाती है. सर ऐसा कोई बनाएगा भी नहीं, वरना फिर तो उनका ही धंधा चौपट हो जाएगा. नहीं बनेगी, बहुत महंगी बनेगी. ठीक है, तो बेटा अब करंट फ्लो क्यों होता है समझ में आया. ठीक है. Yes, sir. अब देखो क्या होता है कि पहले इन्वेंशन हो गया था पॉजिटिव चार्ज का. तो देखो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ फ्लो रहा है. यस सर. यस सर. तो करंट का डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में. किसके चार्ज में लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज. जो करंट का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, आ गई बात समझ में. करंट में अगर डायरेक्शन पर करंट स्केलर नहीं हुआ फिर वेक्टर हो गया. नहीं देखो यार वो नहीं होता है वेक्टर. जैसे आपने देखो एक वायर, ये इसमें 2 एम्पियर करंट हो रहा है, एक वायर में इधर 2 एम्पियर करंट हो रहा है, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, 0 नहीं 4 एम्पियर होगा. नहीं 4 एम्पियर. अब इस वायर को यदि आपने ऐसे लगा दिया, ऐसे हटा करके इसमें 2 एम्पियर है, तो कोई चेंज होगा क्या? नो सर. नहीं होगा. डायरेक्शन का कोई रोल है? नहीं. नो सर. फिर स्केलर हुआ वेक्टर हुआ? स्केलर. हाँ बस वो फ्लो की डायरेक्शन. पॉजिटिव टू नेगेटिव. हाँ पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होके कहाँ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल. क्लियर है? हाँ. तो कई बार करंट फ्लो का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होता है. करंट फ्लो का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होता है. हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, तो अपन करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में लेते हैं. क्लियर है? ओके सर. ठीक है. हाँ अब देखो एक और टर्म होती है, जैसे कंडक्टर में यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं सर. तो जिसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हुए वो अच्छा गुड कंडक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा सर. हाँ तो आप देखोगे जिस भी मटेरियल में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मटेरियल क्या होता है, गुड कंडक्टर. गुड कंडक्टर. यदि कोई गुड कंडक्टर है उसमें क्या है, मतलब मोर फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स. और कोई में यदि क्या होगा, ठीक है, इंसुलेटर है उसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे. अच्छा अब ऐसा हो सकता है कि किसी में भी फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं, थोड़े बहुत तो हो सकते हैं, इसलिए कोई कंडक्टर ज्यादा. अच्छा सब में फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वली एक जैसे ही होते हैं क्या? नो सर. किसी में ज्यादा होते हैं किसी में कम होते हैं, इसलिए कौन, कोई गुड कंडक्टर होता है कोई थोड़ा सा कम कंडक्टर होता है. ठीक है सर. नॉन मेटल में सर नेगेटिव होते हैं सर, इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव होते हैं मतलब कम होते हैं इलेक्ट्रॉन, कि होते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं. ठीक है उसकी. अब जैसे देखो किसी को वो अपना ऑक्टा कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो उसके लिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना या 6 इलेक्ट्रॉन देना है? इजी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन देना लेना इजी है. तो वो 6 इलेक्ट्रॉन को नहीं देता, नहीं देता मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं. ठीक है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे क्योंकि वो खुद दूसरों के छीनने की कैपेसिटी है उसकी, तो है ना. अब यहाँ पे बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन घूमेंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, घूमेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, टक्कर होगी है ना. तो बेटा
ये जो है जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं? अपोज अपोज कर रहे हैं। और इसी नेचर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? एबिलिटी 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 टू अपोज फ्लो ऑफ चार्ज, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज टू अपोज फ्लो ऑफ चार्ज। आ गई बात समझ? तो इसी इसको हाँ अच्छा, यदि कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है, कम लेस। और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस होगा, चलता नहीं जाता है। ठीक है बेटा सर, तो इसी रेजिस्टेंस की वजह से चार्ज चलता ही नहीं जाता है। हाँ, टकरा टकरा के इसलिए एनर्जी वेस्ट होती है। हाँ, थोड़ी सी रोक देते हैं, है ना। इसलिए सभी में 100% थोड़ी चार्ज फ्लो होता है। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, बिल्कुल हम अच्छा करंट फ्लो नहीं कर पाते ना, क्योंकि हमारी बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ, अब देखो ये बताओ, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई रुकावट हो ही नहीं इलेक्ट्रॉन के पाथ में? नो सर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए आइडियल कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आइडियल कंडक्टर किसको बोलेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अपनी इच्छा से जितनी स्पीड से फ्लो करना करे। लेकिन रियल में ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए कोई भी आइडियल कंडक्टर हो सकता है क्या, जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो? रेजिस्टेंस किसी का कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, लेकिन कभी भी रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा। आ गई बात में? क्योंकि कुछ तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, है ना। तो yes, कुछ होगी होगी, है ना। इसीलिए कभी भी रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं बहुत कम हो सकता है ना, इतना कम हो सकता है कि उसको हम नहीं काउंट करें, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? ओके सर। इसीलिए किसी भी रेजिस्टेंस, हाँ, तो रेजिस्टेंस समझ में आया क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रोकता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने को रोकती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो करंट समझ में आ गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। सर जिसका सर रेजिस्टेंस कम होगा सर, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, और जो मेटल्स होता है उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है, कम होता है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये, ऐसा होता है सिंबल, ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल। ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल। ठीक है, अब देखो बेटा, ये अभी हमने जो वायर लगाया इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हम मानते हैं जीरो है। आर कितना है? जीरो है। सर आपने कहा जीरो नहीं। जीरो अप्रोक्सीमेट, देखो अप्रोक्सीमेट लिखा है मैंने। ठीक है, अच्छा ये अप्रोक्सीमेट। हाँ अप्रोक्सीमेट है ना। जैसे अभी हमने क्या किया, एक बल्ब लगाया। क्या लगाया? बल्ब। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था। इसका क्या था? ज्यादा रेजिस्टेंस। ज्यादा होगी तो ज्यादा टक्कर करेगा। ज्यादा टक्कर करेगा तो ज्यादा हीट करेगा। ज्यादा हीट करेगा तो हो सकता है कि वो इतना गर्म हो जाए कि क्या कर दे, ग्लो कर दे, मतलब बल्ब बन जाए, ग्लो होने लग जाए। तो वो क्या बन गया? हमारा बल्ब बन गया, बल्ब बन गया, है ना। अब देखो ये हमने बैटरी लगा दिया, अब क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस मान लो 1000 है, पर इस वायर का भी थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होगा। यस सर। इसका मान लो 1 ओम है, इसका है 1000 ओम है, तो 1000 ओम में 1 ओम का कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इस वाले रेजिस्टेंस की बात नहीं करते हैं, इस वाले वायर के रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस तो होगा। आ गई बात सुन में? यस सर। बल्ब में रेजिस्टेंस जो वायर है उसमें रेजिस्टेंस तो होता है, लेकिन वो उस इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है? बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको कई बार क्या काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है? कम क्यों होता है बेटा? अच्छा कंडक्टर है ना यार। अच्छा, कभी देखा टंगस्टन में सर बहुत अच्छा होता है। हाँ, कभी देखा प्लास्टिक का वायर बना दिया? अच्छा, जो मेटल है। कभी आपने देखा होगा कि जो वायर के अंदर क्या होता है? कॉपर देखा होगा आपने, एल्यूमिनियम देखा होगा। क्यों? यार गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सर बहुत ही हाई रेजिस्टेंस। तो इसको
सर हम बल्ब से जो हमारा पानी होता है सर्दियों वो गर्म कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन करंट फैल जाएगा, उसको हाथ नहीं लगाओ तो कर सकते हो, ठीक है? फिर बल्ब निकाल निकाल लो, हाँ बाद में निकाल लो, ठीक है? आ गई बस, लेकिन ध्यान रहे बस इतना ही डूबा होना चाहिए, ये वाला पोर्शन पूरा मत डूबा देना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हाँ ठीक है, सर्दियों की बात सर ये आया ही नहीं शिखर। जैसे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि ये जो हमारा हीटर होता है, कभी देखा हीटर? स्प्रिंग निकलेगी, क्या निकलेगी? एक स्प्रिंग, रेड हॉट बर्न करती है सर, वो सर गीजर में भी होता है सर। हाँ स्प्रिंग के अलावा क्या होता है, एक कवर होता है, क्या होता है? एक कवर होता है, आगे बात सुनिए। और इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल भरा होता है व्हाइट सा कुछ, है ना? एक व्हाइट सा होता है, आ गई बात समझ में? अब ये जो व्हाइट सा मटेरियल होता है वो क्या करता है, इसकी हीट को बाहर जाने देता है, हीट को बाहर जाने देता है, लेकिन करंट को बाहर नहीं जाने देता है। करंट को बाहर व्हाइट मटेरियल क्या होता है पता नहीं बेटा, अलग अलग जगह अलग अलग होता है, ठीक है? ओके सर। तो हीट को बाहर नहीं जाने देता, तो क्या होता है, यदि हम उसको हाथ लगाते हैं तो हमें शॉक नहीं लगता है, क्लियर है? यस सर। हाँ, लेकिन यदि आपने ये सस्ता वाला खरीद लिया, तो सस्ता वाला खरीद लिया तो क्या होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, डिग्रेड हो जाएगा, ये क्या होगी, ये आपको क्या करेगा, शॉक मारेगा, शॉक मारेगा, ठीक है? कभी हाँ, इसीलिए कभी भी हम अच्छी क्वालिटी का भी लेके आते हैं, तो यदि पानी गर्म हो रहा होता है तो हम पानी में हाथ डालते हैं क्या? नो सर, ना उधर करंट फ्लो होता है। हाँ तो इसमें, हाँ इसमें करंट फ्लो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन रिस्क क्यों ले, मान लो गलती से भी हो रहा होगा, हो गया, तो उसमें तो निपट जाओगे। यस सर। तो जो डाला था, हाँ तो कई बार नहीं लगता है, मतलब लगना भी नहीं चाहिए, यस सर नहीं चाहिए, लेकिन रिस्क क्यों ले, मतलब है ना सर। जो गीजर होता है सर उसमें भी स्प्रिंग टाइप ही होता है, लेकिन सर वो सर दिखता नहीं है, अंदर होता है। ये बताया ना, इसमें क्या होता है, स्प्रिंग होता है, तो समझ गए ना? यस सर। हाँ तो इसीलिए हाथ नहीं लगाना, वैसे वो जो क्या होता है गीजर तो टॉप पे लगा है, तो हाथ तो कभी नहीं लगा सर। हाँ नहीं लगाना चाहिए, उसके जो हीटिंग कॉइल होती है, वैसे कवर्ड भी होती है, ठीक है? जो गीजर की हीटिंग कॉइल कवर्ड होती है, तो सर बिल्कुल भी करंट नहीं लगता सर। हाँ उससे तो सर लटक भी सकते हैं, उसकी तो पूरी बॉडी प्लास्टिक की है ना। और कभी आपने देखा होगा टू पिन गीजर नहीं होता है, हमेशा गीजर थ्री पिन होता है, अर्थिंग होता है उसमें। yes, हाँ सर बड़ा होता है, हाँ पढ़ेंगे, अर्थिंग पढ़ेंगे, ये होता है रेजिस्टेंस, है ना? तो बेटा रेजिस्टेंस समझ में आ गया, उसका सिंबल होता है ये, ठीक है? बल्ब का सिंबल समझ गए, सेल पता है क्या होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे लगाते हैं एक स्विच, क्या लगाते हैं सर? हम रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर से ही करते हैं, नहीं सिंबल तो ये होता है रिप्रेजेंट आर से करते हैं, ठीक है? अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, हाँ दोनों, ठीक है? ओके सर। अब देखो यहाँ पे ये होता है स्विच, ये क्या होता है? स्विच, स्विच। अच्छा अभी करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? नो सर, नो सर, ओपन है स्विच, ओपन है। और यदि इसको हमने इसे प्रेस कर दिया तो करंट फ्लो होगा सर, हो जाएगा सर, होगा। क्या बोलते हैं? क्लोज स्विच। तो वैसे सर इस सर्किट में तो करंट फ्लो होना नहीं चाहिए सर, कोई सोर्स ही नहीं है। ओपन स्विच में करंट फ्लो नहीं होता, क्लोज स्विच में क्या होता है? करंट फ्लो होता है। हाँ तो यदि कोई भी सर्किट बनाते हैं हमारे घर में भी, तो उसमें एक सोर्स भी होता है, एक स्विच भी होता है, वायर भी होते हैं, और कोई भी अप्लायंस होता है। चार चीज हमेशा होगी, कौन कौन सी? स्विच, स्विच, बैटरी, बैटरी, वायर कनेक्टिंग वायर, और वायर। यस सर, स्विच, ठीक है? फोर्थ क्या है? अप्लायंस, जिस अप्लायंस, जो भी अप्लायंस। सर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी तो डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, जैसे करंट को मेजर करता है एमीटर। करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। अब यदि आपको मेजर करना है तो लगा दो, नहीं मेजर करना है तो मत लगाओ, है ना? लेकिन हमारा वर्क तो करेगा ना। एमीटर के आगे कोई हुक टाइप नहीं होता है? यस सर। क्या बेटा? एक हुक टाइप तो होते ना एमीटर के आगे सर? ये सर एमीटर का ये सिंबल है सर। सोर्स, वायर, स्विच और अप्लायंस क्या बनाते हैं ये?
किसी भी सर्किट में असेंशियल पार्ट है, ये तो होना ही चाहिए कि कोई भी सर्किट है तो, है ना। कोई अगर ये नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ ये नहीं है तो फिर क्या, स्विच नहीं होगा तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे? ये सब होता जाएगा करंट फ्लो। वायर सोर्स नहीं है तो फिर करंट फ्लो करवाएगा कौन? अप्लायंस नहीं है तो करंट को देओगे किसको, है ना? तो किसी को देने वाला, एक सोर्स क्या एनर्जी देने वाला, अप्लायंस लेने वाला, वायर क्या करता है जिसके थ्रू एनर्जी जाएगी, स्विच क्या करेगा उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ बोलो सर। जो इलेक्ट्रो के वायर होते हैं या फिर हमारा जो क्या कहते हैं हीटर होता है, उसके वायर बहुत छोटे छोटे होते हैं, तब भी सर वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ऐसा क्यों? वायर तो छोटे होते हैं ना, वायर तो क्या होते हैं हमारा, यार पतला सा भी वायर लोगे उसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो सर वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। और जो सर जो अभी बल्ब आ रहे हैं नए मॉडर्न जमाने के, बेटा अलग 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 प्रोसीजर है ना, वो बल्ब क्या करता था, आपकी लाइट भी प्रोड्यूस करता था, गर्म भी होता था, नहीं होता था? गर्म होता था वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता था। आपकी जो यूजफुल एनर्जी है वो हीट में भी वेस्ट करता था और लाइट में भी वेस्ट करता था, लाइट वाले ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता था। लेकिन जो आप एलईडी बल्ब हो गए वो क्या करते हैं, हीट तो प्रोड्यूस करते नहीं है, है ना, मतलब बहुत कम करते हैं, तो बहुत कम करते हैं तो आपका खर्चा बच गया कि नहीं बच गया? हीट प्रोड्यूस बच गया सर, है ना, तो इसलिए एनर्जी लॉस कम होगा, एनर्जी लॉस कम हो गया। ठीक है, और सर हीटर जैसा बना या आज बनाया गया है, इंडक्शन कहते हैं उसको सर? इंडक्शन अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है, है ना। इंडक्शन में क्या करते हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं, जिससे अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, अपनी जगह ही वाइब्रेट होते रहते हैं। ठीक है, तो अपनी जगह ही वाइब्रेट करते हैं तो अपने आसपास वालों से टक्कर प्रोड्यूस करते हैं और हीट गर्म होती है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, बिल्कुल क्लियर है सर? हाँ, वो हमारे अभी नहीं है अभी। ठीक है, तो ये बात आ गई समझ में यहाँ तक? यस सर। हाँ, अब देखो ये होते हैं हमारे, है ना, रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना, वेरी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, ओके सर। जिसका रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं वो वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, एमीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर हम आगे पढ़ेंगे, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज भी बोलते हैं। वोल्टेज तो लिखा रहता है ना अप्लायंस पे? नहीं, किसी का नहीं लिखा हो तो उसको मेजर भी कर सकते ना। ओके सर, वोल्ट मीटर की वजह से। हाँ, वोल्टेज मेजर करते हैं। ठीक है, ओके सर। सर जो हाँ जो एमीटर होता है वो एमवोस को करंट को नापता है ना? हाँ, एमीटर करंट मेजर करता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे अभी। ठीक है, हाँ बेटा, रियोस्टेट मैंने बोला ना, अभी पढ़ेंगे। जैसे इधर देखो, चलो अभी समझ लो, रियोस्टेट समझना है समझ लो। चलो अभी मान लो, देखो हर चीज की एक लिमिट होती है। यस सर, अभी सर सिंगल एलईडी, जो सिंगल एलईडी बल्ब होता है बेटा, ठीक है, सिंगल एलईडी बल्ब को यदि आपने आपके सेल्स से लगा दिया, सेल से, तो ये खराब हो जाएगी। ठीक है, यस सर, क्योंकि इसको चाहिए बहुत कम करंट। क्या चाहिए? बहुत कम करंट, लेस करंट। यदि ज्यादा दे दिया तो ये क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। खराब, आ गई बात समझ में? तो इसको हाँ, तो इसको बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब जो रोके करंट फ्लो, है ना। हाँ, रेजिस्टर लगा देते हैं जो क्या करेगा, करंट फ्लो को रोकेगा, रोकेगा। ऐसे बल्ब, ठीक है, हमेशा जो एलईडी बल्ब है तो चार्जर में भी रेजिस्टेंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, और भी चीजें होती है ना। अब देखो तो ये क्या करता है, हाँ, यहाँ ये इसकी, हाँ, इसकी लिमिट को, करंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छे से सर। हाँ, अब हम इसको और आगे करें कि यदि हमें मान लो लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करना है, लेबोरेटरी में, अब देखो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होगी, क्या होगी, फिक्स होगी। अब हमें क्या चाहिए लेबोरेटरी में, क्या एक फिक्स, क्या हमें तो मान लो अलग अलग तरीके के चाहिए, है ना, कभी 100 ओम का, 200 ओम का, 300 ओम का, तो हम एक नया तरीका निकाल लेते हैं। नहीं करना मेजर, फिक्स होता है। ठीक है, वो हम आगे करेंगे बाद में, है ना।
आगे पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी समझो। सर ओम कहाँ पे यूज होता है? इतना ओम यूनिट है रेजिस्टेंस की, यूज तो अभी कर ही तो रहे हैं। ओके सर। अबे ये हो गया ना, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, मतलब ये ज्यादा अपोज करेगा, ठीक है। यदि हमने बहुत ज्यादा का लगा दिया तो वो बिल्कुल भी नहीं फ्लो होने देगा, तो वो भी गलत है। फिक्स उसकी कैपेसिटी के अनुसार लगाएंगे। इधर देखो, अब जैसे बेटा अपने को मान लो एक बल्ब लगाना है, ठीक है, बल्ब लगाना है और हमें 100 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। कितने ओम का? 100 ओम। हाँ, एक दूसरा बल्ब है जिसको 200 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमें इतने सारे रेजिस्टेंस खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक रियोस्टेट ले लिया। अब ये इसकी समझ लो ये 100 सेंटीमीटर का वायर है, कितना सेंटीमीटर का? 100 सेंटीमीटर का। और इसका टोटल रेजिस्टेंस है 1000 ओम, कितना है? 1000 ओम। तो अच्छा 10 सेंटीमीटर का कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा? 100 ओम। अब देखो यदि हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और इसको हमने इधर कनेक्ट कर दिया, तो करंट फ्लो देखो ऐसा होगा, इधर से जाके इधर से हो के जाएगा, ठीक है। तो सर्किट में रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1000 ओम का हो गया। यस सर। अब हमें मान लो कम चाहिए, हमें क्या चाहिए? कम चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको हमने आधे में कनेक्ट कर दिया, तो करंट फ्लो कैसा होगा? अब इधर से आया आधे में जाएगा और आ जाएगा, तो अब सर अब कितना हो गया? 500 हो गया। चलो, और यदि मान लो हमें 100 ही चाहिए, 100 ओम ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल इसको कहाँ लगा देंगे? 10 सेंटीमीटर पे लगा देंगे, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो अब सर्किट फ्लो करंट फ्लो ऐसा ही होगा। यस सर। यस सर। इसको बोलते हैं रियोस्टेट, इसको बोलते हैं रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है सर। इसे आप फिर से बताओ। बेटा अलग अलग वैल्यू है। अरे देखो अभी मान लो हमें यहां तक का चाहिए, तो यहाँ पे कनेक्शन कर दो, तो इधर तो करंट फ्लो होगा ही नहीं ना, तो उतना ही काम करेगा, ठीक है। ओके सर। जितना चाहिए उतना काम में ले लो, बाकी उसको छोड़ दो। सर वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या था सर, ये नहीं समझना। वेरी का मतलब क्या होता है सर, मतलब कितना भी जा सकता है? चेंजिंग। वेरी का मतलब होता है चेंजिंग, चेंज। तो चेंज हो रहा है कि नहीं रेजिस्टेंस, हमारे जरूरत के हिसाब से हम इसको चेंज कर पा रहे हैं? यस सर। तो ये क्या हो गया, रियोस्टेट हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। तो सर ये बल्ब में अपने आप होता रहता है? अबे बल्ब में जरूरत ही नहीं पड़ती है, नहीं अलग सर, अलग लाइट भाई आ जाती है। अरे यार हमें लेबोरेटरी की बोला मैंने, बल्ब में फिक्स होता है उसको उतना ही चाहिए। बल्ब आप बदलते रहते हो क्या, बल्ब निकाल निकाल के? नहीं सर। नहीं है तो बस फिक्स है उसका। अब इधर देखो ये चीज, सोचने के पहले कुछ सोचा करो, बोलने से पहले क्या पूछ रहे हैं अपन, ठीक है। अब इधर देखो, यहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक फैन है बेटा, क्या है? फैन। फैन। तो अभी देखो करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। यस सर। ये हो गई 5 नंबर की स्पीड। क्या हो गई? 5 नंबर की स्पीड। अब हमें क्या करना है, स्पीड को कम करना है। स्पीड को क्या करना है, कम करना है। तो हमने रेजिस्टेंस को इसको इधर लगा दिया, तो अब करंट फ्लो कैसा होगा, इस रेजिस्टेंस में से जाएगा? यस सर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। यस सर। ये हो गई 4। चलो हमें क्या करना है, और करंट को कम करना है, तो हम क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस को और कम कर बढ़ा देंगे। बढ़ा दीजिए। रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया। चलो रेजिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, तो अब सर्किट में देखो करंट फ्लो ऐसे होके जाएगा। यस सर। तो ये और तो और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। अब हमने मान लो यहाँ लगा दिया, लास्ट में लगा दिया, इधर लगा दिया, तो अब करंट देखो इससे भी होके जाएगा, इससे भी होके जाएगा, इससे भी होके जाएगा, इससे भी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, करंट कम हो जाएगा। यस yes, सर। yes, तो आपके फैन को करंट कम मिलेगा। यस सर। यस सर। फैन को कम करंट मिलेगा तो बेचारा स्लोली घूमेगा। यस सर। यस सर। स्लोली घूमेगा तो हमें स्लोली तो घुमाना है, इसलिए तो कम किया हमने, ठीक है।
अब आ गई बात, तो सर रेगुलेटर ही रेजिस्टेंस बढ़ाता है। हाँ तो रेगुलेटर भी क्या हो गया, एक तरीके से रियोस्टेट हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर है? यस सर। ओके सर, आ गई बात समझ में? तो हमारी जरूरत के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना? ठीक है। अब फैन को आपको कम ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बल्ब को जरूरत पड़ती है क्या कि आज बल्ब तेज रोशनी नहीं करते हो, तो इसलिए बल्ब में हम रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं। क्लियर है सर? कुछ बल्ब आते हैं, बढ़ती कैसे है सर? अरे रेजिस्टेंस डायरेक्टली लगा दिया, डायरेक्टली लगा दिया तो रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं, तो पूरा का पूरा करंट फैन के पास चला जाएगा। तो सर बनी कैसे सर रेजिस्टेंस पावर? अरे यार बेटा ऐसा मटेरियल लगा दो जो बहुत कम करंट फ्लो करता है। लगा दिया यहाँ पे आपने एक प्लास्टिक लगा दिया तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, है ना? लगा दिया आपने एक कॉपर लगा दिया, और को क्या होता है जो कम कंडक्टिविटी करता है। ठीक है, अच्छा ओके सर। तो सर ये इसके ऊपर से पास करता है इसलिए आवाज वगैरह आती है, वो अपन फैन का रेगुलेटर। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हमने एक ऐसा मटेरियल लगा दिया जो बहुत कम करंट फ्लो करता हो, बहुत कम कौन करता है, जैसे नॉन मेटल जैसे कौन से मान लो सिलिकॉन, सिलिकॉन लगा दिया यहाँ पे, तो सिलिकॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देगा, है ना? तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, रोक देगा तो करंट फ्लो कम हो गया। यही तो हम चाहते हैं, चाहते हो नहीं चाहते? हाँ तो सेमी कंडक्टर जो बीच का है, मतलब है ना, बिल्कुल ही लगा दोगे तो बेटा यदि यहाँ वुड लगा दिया तो क्या होगा सर, होगा करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ तो फैन तो ऑन ही नहीं होगा ना। और यहाँ पे तो क्या हो जाता है, जीरो की जगह तो ये सर्किट वुड लगा दो यहाँ पे, है ना? तो क्योंकि हम जीरो इतना रेजिस्टेंस से पास करेगा तो जीरो ही। हाँ नहीं, जीरो नहीं, कम होता जाता है उसके अकॉर्डिंग, है ना? कितना करवाना है उसके हिसाब से रखते है ना हम। ठीक है, रियोस्टेट का मतलब समझ में आ गया ना? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है सर, जैसे आपने लास्ट लेक्चर के नोट्स भेजे थे इसके भी भेजेंगे? नहीं बेटे, इसमें कुछ है ही नहीं ना, समझाया ही तो है। ठीक है हाँ सर, वही क्योंकि सर आपने इसमें थ्योरी वगैरह तो लिखवाई नहीं। हाँ लिखवाई नहीं है ना, इसलिए नहीं भेजेंगे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ जिसमें करंट फ्लो जाता है उसी को बोलते हैं सर्किट। ठीक है, जिसमें करंट फ्लो होता है उसी उस पाथ को हम बोलते हैं सर्किट। क्लियर है? जिस पाथ में करंट फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट। सर्किट दो टाइप के होते हैं, ओपन सर्किट एक क्लोज सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट देखो क्या होता है, पता ही चली गया होगा आपको ओपन सर्किट। हाँ, यदि हमने ये लगा दिया, एक ओपन कर दिया, एक बल्ब लगा दिया, है ना, ये क्या इसमें करंट फ्लो होगा क्या? नो सर। ये कैसा है? ओपन सर्किट। इसमें हमने स्विच कर दिया तो करंट फ्लो होने लग जाएगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट, क्लियर है? ठीक है, यस सर। अब देखो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स को जो धक्का मारता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, धक्का मारता है। ठीक है, जो बैटरी के अंदर का केमिकल उसको बोलते हैं हम वोल्टेज। ठीक है, एक होता है वोल्टेज, आपने सुना होगा पोटेंशियल। ठीक है, वोल्टेज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, ये पोटेंशियल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। क्लियर है? यदि ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाई तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा धक्का मारेंगे, दोनों मिलके मारेंगे। यस सर। तो आपके सर्किट में करंट फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा जैसे आपको क्या चाहिए, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो भी खिलौने आ रहे हैं उसमें सिंगल सेल वाले तो आते ही नहीं है। यस सर। उसमें हमें कम से कम 3-4 सेल तो लगाने ही पड़ते हैं ना। यस सर। तो 3 सेल लगाने से क्या हो जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है, उसकी धक्का देने की। हाँ तो इलेक्ट्रॉन को वो क्या करते हैं, ज्यादा धक्का मारते हैं, तो वो क्या करता है, ज्यादा तेजी से चार्ज फ्लो करता है। आ गई बात समझ में? तो जो धक्का देने की जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देने की जो कैपेसिटी है वो होती है पोटेंशियल या वोल्टेज। क्लियर है?
यस तो आपका जो छोटा सेल होता है वो होता है 1.5 वोल्ट का. कितने वोल्ट का होता है? 1.5. तो सर इतने से वो धक्का लगा धक्का. हाँ, अब जैसे मान लो हमने हमें 6 वोल्ट चाहिए. कितना वोल्ट चाहिए? 6 वोल्ट. तो हम कितने 4 सेल लगा देंगे. कितने सेल लगा देंगे? 4 लगा देंगे, है ना. अब देखो ये जो 1.5 वोल्ट होता है इसको हम टच करते तो कभी हमें सेल से शॉक लगता है क्या? नो सर. तो ये बहुत कम होता है, इससे हमें बिल्कुल भी लगभग शॉक नहीं लगता है. ठीक है. अच्छा, मोबाइल की बैटरी होती है 3.5 वोल्ट की. तो कभी किसी को मोबाइल की बैटरी से शॉक लगा? नो सर. है ना. लेकिन इस मोबाइल की बैटरी को आप अपने टंग पर टच करना, थोड़ा सा लगेगा, है ना, क्योंकि हमारी टंग क्या है? सेंसिटिव है. हाँ, सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, तो हमें पता चलता है. अदरवाइज 6 वोल्ट तक हमारी बॉडी को कोई ज्यादा शॉक फील नहीं होता, 6 वोल्ट तक, है ना. और 6 वोल्ट से ज्यादा में हमें थोड़ा सा फील होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज्यादा, हल्का सा रहता है कभी कभी. इसमें 440 वोल्ट है. लेकिन देखो 6 वोल्ट पर हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो आती है 220 वोल्ट की. कितने वोल्ट की आती है? 220 वोल्ट. वो इसके कंपेरिजन में क्या है? बहुत ज्यादा है. हाँ, तो जैसे ही आप इसके वायर को टच करते हो तो विद इन अ सेकेंड, समझ रहे हो, झटका लग जाता है काफी तेज. ठीक है. हाँ सर. इसीलिए इस वाली बैटरी के साथ कभी हम स्कूल वगैरह में प्रैक्टिकल हमारे है ना, प्रैक्टिकल वगैरह हम किससे करते हैं? इस बैटरी से करते हैं. ठीक है. स्विच में कैसा करेंट आता है? स्विच में मतलब बेटा वो अभी नहीं पढ़ना है ना, दो टाइप के होते हैं करंट, है ना, वो अभी हमें नहीं पढ़ना है. तो देखो अभी हम जो भी प्रैक्टिकल करते हैं, जो प्रैक्टिकल करते हैं वो किससे करते हैं? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ करते हैं. ठीक है. कभी हम स्कूल में 220 वोल्ट के साथ कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करते हैं. गलती से भी किसी ने टच कर दिया किसी को, है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है. इसलिए हम स्कूल 220 वोल्ट ग्लव्स है सकता है. हाँ, ग्लव्स टेस्ट कर सकते हैं ना, डिपेंड करेगा, सब ग्लव अलग अलग टाइप के होते हैं. ठीक है. जैसे आपने देखा होगा कि हम घरों में जब भी हम काम करते हैं तो क्या करते हैं? स्लीपर पहन के करते हैं इलेक्ट्रिक का काम, है ना, क्योंकि स्लीपर क्या है? इंसुलेटर. यस सर. क्या है? इंसुलेटर है. इंसुलेटर. तो यदि थोड़ा सा शॉक लगेगा तो वो स्लीपर हमें क्या कर लेगा? बचा लेगा. स्लीपर क्या करेगा? बचा लेगा. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्लीपर पहन के किसी भी करंट कैरिंग वायर को ऐसे पकड़ लोगे, है ना, क्योंकि वो क्या होगा, थोड़ा बहुत करंट फ्लो होगा तो बचा लेगा, है ना. लेकिन ये नहीं है. हाँ, बहुत होगा तो नहीं बचाएगा. इसलिए कभी हम ऐसे करते हैं क्या कि स्लीपर पहन के कोई भी वायर को पकड़ लिया? नो सर. ऐसा नहीं करते, क्योंकि स्लीपर क्या करता है? थोड़ा सा बचा देता है, रोकता थोड़ी है. ठीक है. लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी सेफ्टी. हाँ, ठीक है. तो इसलिए हम अपनी सेफ्टी के लिए स्लीपर पहन लेते हैं या वुडन किसी पटिया वगैरह पे खड़े होके इलेक्ट्रिक का काम करते हैं कि बाय चांस यदि कुछ एक आध वायर, जैसे क्या होता है कि एक वायर में देखा होगा ऐसे बहुत सारे वायर होते हैं पतले पतले. यस सर. कई बार क्या होता है हम उनको ज्वाइंट करते हैं तो एक आध वायर खुला रह जाता है, तो वो टच होगा तो हमें क्या होगा? कम शॉक लगता है ना. तो उतने शॉक से ये स्लीपर हमें क्या करता है? बचा सकता है ना. लेकिन सारे हो गए तो बेटा स्लीपर में भी आपको बहुत तेज शॉक लगेगा, है ना, तो फिर नहीं बचा पाएगा. आ गई बस में? सर, 6 वोल्टेज का वोल्ट हमें लगता नहीं है सर. नहीं, पता नहीं चले, हल्का सा लगेगा करंट, मतलब आपको फील होगा लेकिन ऐसा कोई हार्म नहीं होगा. ठीक है सर. स्लीपर बचा लेता है का मतलब फील भी नहीं होगा. हाँ, अब जैसे मान लो आपके टेलीफोन लेड लाइन, सुना है, देखा है कभी किसी ने? हाँ, तो लेड लाइन का जो तार होता है उसको कभी आप क्या टच करोगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा, है ना. लेकिन उसको आप कभी दांत से छिलने जाओगे, ठीक है, तो आपको शॉक लगता है. उसमें क्या होता है? थोड़ा सा करंट फ्लो होता है तो आपको उससे शॉक लग सकता है. यदि आप टंग मुंह में भी ऐसे ही लगता है. हाँ, तो उसमें आपको शॉक लगेगा लेकिन हल्का सा होगा, शॉक लगेगा. हाँ, उसमें मुंह में लोगे जैसे आप दांत से छीलते ना अपन वायर को कई बार, तो उसको यदि आप छीलने जाओगे तो आपको हल्का सा शॉक लगेगा. मोबाइल के चार्जर से तो लगता. हाँ, मोबाइल के चार्जर में देखो, जैसे कभी आप देखो लैपटॉप का चार्जर देखा है? लैपटॉप के में कभी शॉक लगा? सर.
लगा है क्यों नहीं लगा है? देखो लैपटॉप के चार्जर ऐसा होता है और अंदर एक पिन होता है, ठीक है? हाँ सर, तभी नहीं लगता है सर मोबाइल के। क्या करते हो आप, एक को टच करते हो ना, ठीक है? यदि आप उसको भी टच करो और अंदर वाले को भी टच करो तो लगेगा अच्छा शॉक। आ गई बात समझ? एक को टच करते हैं इसलिए नहीं लगता है, ठीक है? तभी आप देखना लैपटॉप के अंदर, देखना एक और अंदर से पिन है, देखो आप अपने लैपटॉप के चार्जर में अंदर बहुत अंदर है। तो हाँ, तो आप टच करते हो तो एक को करते हो, दोनों को करते हो? एक को, एक को करते हैं, एक को करेंगे इसलिए आपको शॉक नहीं लगता, ठीक है? यदि आप एक मोबाइल का फ्लैट रहता है, हाँ, तो उसके अंदर होता है, एक बाहर होता है एक अंदर होता है, ठीक है सर? अच्छा सर, वो शॉक देता है अंदर वाला? हाँ अंदर वाला होता है, ठीक है? तो मेन जो करंट है वो अंदर वाला होता है, ठीक है सर? ये 1000 2000 वोल्ट के साथ बोलते हैं।